मध्य प्रदेश सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने प्रदूषण मुक्त ग्वालियर एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल से शहर भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजनों से सहयोग करने की अपील की। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि हमारा ग्वालियर प्रदूषण मुक्त बने, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर शहर का विकास निरंतर चलता रहे, शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए सभी के सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है और इसी के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 30 से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि आज हम जो ग्वालियर को जो विकास की राह जोड़ रहा है, तो शिवराज सिंह के नेतृत्व में विकास की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज और कल में कम से कम 30 विकास कार्य। मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को, मैं नहीं कह रहा जो नहीं चल सकता है साइकिल पर चले, पर हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए इस भौतिकवादी युग में अंतरात्मा से आलोचना तो मेरे वक्तव्य पे कोई भी कर सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, पर अंतरात्मा से सोचना चाहिए कि उस लाडले लाडले से बुजुर्ग जो को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके लिए इस शहर को प्रदूषण मुक्त, इस प्रदेश को प्रदूषण मुक्त, इस देश को प्रदूषण मुक्त बनाने में काम नहीं करना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।